हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार। दोस्तों, आज मैं जनरल साइंस के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हुआ हूं, जो आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः वीडियो को लास्ट तक देखिए और पूरा देखिए और एक लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो बिना देरी किए हुए मैं अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, होरोलॉजी में समय का अध्ययन होता है। होरोलॉजी दोस्तों एक विज्ञान होता है जिसमें समय के बारे में अध्ययन किया जाता है, जैसे घड़ियों के में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में बताया जाता है। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ दोस्तों। पृथ्वी के, ध्यान से सुनिएगा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में परिक्रमण करने वाले जितने भी सैटेलाइट होते हैं उनकी गति जो होती है मुक्त रूप से नीचे गिरती हुई वस्तु की तरह होती है, यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के चारों ओर, पृथ्वी के बाहर चारों ओर जितने भी सैटेलाइट घूमते हैं वो मुख उसकी गति जो होती है दोस्तों मुक्त रूप से नीचे गिरते हुए पिंडी। समझ में आया दोस्तों? तो आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट को आमतौर पर एस्बेस्टस के रूप में जाना जाता है। दोस्तों कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, ये तो आपको पता ही होगा। अगले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ दोस्तों। भारत की सबसे लंबा हाईवे जो है NH-44 है, जिसकी लंबाई 3,745 किलोमीटर है। यह श्री कश्मीर के श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है। अगला बहुत ही बेहतरीन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र सिंधु व सतलज का उद्गम स्थल तिब्बत में है। दोस्तों ये तीनों नदियों का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, तिब्बत में है। तिब्बत की राजधानी दोस्तों लासा है। ब्रह्मपुत्र को दोस्तों असम में दिहांग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये श्री कैपलर जी ने दिया था, ग्रहों के बारे में आप सबने पढ़ा ही होगा, लेकिन ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है इसलिए मैं यहाँ पर इसको बता रहा हूँ। कक्षा के केंद्र में स्थित सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करते हैं, यह सिद्धांत श्री कैपलर जी ने दिया था। जैसे मैंने बताया दीर्घ वृत्ताकार यानी दोस्तों इसमें समझ लीजिए दो केंद्र होते हैं और बाकी सब चित्र में दिख ही रहा है। दोस्तों एलोकेक जो होता है प्राकृतिक यूरेनियम को कहते हैं। यूरेनियम दोस्तों एक बहुत ही महंगा पदार्थ है और इसे परमाणु भट्टियां जलाई जाती हैं दोस्तों। और अगला और नॉलेजेबल क्वेश्चन है, पेयजल में दोस्तों तांबे की अधिकतम मात्रा यानी कॉपर 1 mg पर लीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी 1 लीटर में 1 मिलीग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। और कॉपर का जो परमाणु क्रमांक है दोस्तों वो 29 है। दोस्तों वायुमंडलीय आपेक्षिक आर्द्रता जो है आर्द्रता मापी से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एल्यूमिनियम जो होता है दोस्तों वो बॉक्साइट एक्स से प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल मैं बायोलॉजी से रिलेटेड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही बहुत ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।